कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं लाइफ फाउंडेशन रिसर्च सेंटर को, जहां कुछ वैज्ञानिकों का ग्रुप है और जो ब्रह्मांड में एक नए जीवन को ढूंढ रहे हैं। इन्होंने एक स्पेसशिप को अंतरिक्ष में भेजा था जो इस उल्कापिंड से सैंपल लेके लौट रहा था। इनको अंदाजा था कि इन्होंने स्पेस में जीवन ढूंढ लिया है और ये जो खोज हुई है ये शायद ह्यूमन हिस्ट्री को बदल के रख देगी। फिलहाल ये शिप धरती की तरफ वापस आती है अपने मिशन को कंप्लीट करने के बाद। और हम यहाँ पर जो सैंपल की बात कर रहे थे, दरअसल वो चार सिम्बियोइड थे। ये शिप जैसे ही अर्थ के ऑर्बिट में पहुँचता है तब इस शिप में ब्लास्ट हो जाता है और इसलिए एक सिम्बियोइड पहले ही निकल जाता है और बाकी तीन सिम्बियोइड के साथ ये शिप मलेशिया में क्रैश हो जाता है। मौके पे पुलिस और एम्बुलेंस दोनों पहुंच जाती हैं और जो सिम्बियोइड आजाद हुआ था वो इनमें से किसी एक को अपना होस्ट बना लेती हैं। दरअसल यहाँ पर ये सिम्बियोइड ह्यूमन को कंट्रोल कर सकते हैं या हम इसको ये भी बोल सकते हैं कि वो उनमें समा जाते हैं। फिलहाल जब यहाँ पर ये सिम्बियोइड इस बंदे से जुड़ता है तब इसकी हालत बहुत खराब हो जाती है, इसलिए इसको यहाँ से जल्दी से एम्बुलेंस में ले जाया जाता है। और रास्ते में अचानक से इस बंदे को फिर से होश आता है, लेकिन यहाँ एक लेडी नर्स भी थी जो इस बंदे का ध्यान रख रही थी। तभी अचानक से गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और एम्बुलेंस बुरी तरह से कंट्रोल खोकर यहाँ एक जगह गिरती है। और तभी बैन को तोड़ते हुए ये नर्स बाहर आती है जो बुरी तरह घायल थी और उसका पैर भी टूट चुका था, लेकिन फिर भी ये अपने आप को हील कर लेती है क्योंकि जो सिम्बियोइड उस बंदे के पास था वो अब इसकी बॉडी में है। यहाँ पर ये जो सिम्बियोइड है उसका नाम राइट है, जो सैन फ्रांसिस्को जाना चाहता है लाइफ फाउंडेशन में। इसीलिए ये सिम्बियोइड इस लड़की को अपना होस्ट बनाकर लाइफ फाउंडेशन की तरफ बढ़ने लगता है। वहीं इसके अलग दूसरी तरफ हम देखते हैं एडी ब्रॉक, एक रिपोर्टर को जिसने अपनी कंपनी के लिए बेहतर काम किया है। यहीं पर इसके साथ इसकी गर्लफ्रेंड भी रहती है जो एक लॉयर है और वो भी उस कंपनी के लिए काम करती है जहाँ एडी ब्रॉक है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एडी ब्रॉक अपने न्यूज ऑफिस में अपने बॉस के सामने खड़ा हुआ है और यहाँ इसका बॉस एडी ब्रॉक से कहता है कि तुम्हें इंटरव्यू लेना है लाइफ फाउंडेशन के सीईओ का। वो बहुत पावरफुल है, साथ ही वो कुछ चीजों का जल्दी बुरा मान जाता है, इसलिए तुम उससे कुछ ऐसे सवाल नहीं पूछोगे जिसकी वजह से हम दोनों की परेशानी बढ़ जाए। एडी ब्रॉक अपने बॉस की ये सारी बातों को समझ लेता है और दिन खत्म होने के बाद अपने घर पहुँचता है। और इसी रात एडी की नजर उसकी गर्लफ्रेंड के लैपटॉप पर जाती है जहाँ उसके सामने एक मेल आता है। ये मेल लाइफ फाउंडेशन से जुड़ा होता है, साथ ही ये कॉन्फिडेंशियल भी होता है। वहीं अगले दिन एडी ब्रॉक को लाइफ फाउंडेशन के सीईओ का इंटरव्यू भी लेना था, इसलिए वो उस मेल को ओपन कर देता है और वो देखता है कि लाइफ फाउंडेशन एक तरह का एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं गैर कानूनी, और ये लोग जो सिम्बियोट्स लेके आए थे इसका एक्सपेरिमेंट ह्यूमन के ऊपर किया जा रहा है। इस एक्सपेरिमेंट की वजह से कई ह्यूमन मर रहे हैं, इसीलिए अब इसे रोका जाना चाहिए। यहाँ अब तक एडी ब्रॉक जान चुका है कि लाइफ फाउंडेशन में क्या चल रहा है, इसीलिए वो अगली सुबह लाइफ फाउंडेशन के सीईओ का इंटरव्यू लेने पहुंच गया। यह एडी ब्रॉक के बॉस ने जिस काम के लिए मना किया था एडी ने यहाँ पर वही किया। यहाँ एडी पूछता है कि तुम अपने रिसर्च सेंटर पे ह्यूमन पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, ये सब गैर कानूनी है और तुमने कई लोगों को मारा है। तुम यहाँ पर इलीगल तरीके से लोगों को लेके आते हो और उनके बाद उनका क्या होता है ये आज तक किसी को भी नहीं पता। ऐसे सवाल सुनने के बाद ये सीईओ घबरा जाता है और इंटरव्यू खत्म करने के इशारे के साथ ये इंटरव्यू खत्म कर देता है। फिर इसके बाद यहाँ से एडी अपने बॉस के पास पहुँचता है। यहाँ ये बॉस वही कहते हैं जो उन्होंने पहले कहा था कि तुम उनसे कुछ ऐसा क्वेश्चन मत पूछना जिसकी वजह से हमारी दिक्कतें बढ़ जाएं। वो इतना पावरफुल है कि हमारी कंपनी को खरीद के बंद कर सकता है और हम अपनी कंपनी पे रिस्क नहीं ले सकते, इसलिए एडी ब्रॉक हमें तुम्हें निकालना होगा। और यहाँ पर एडी ब्रॉक को उसकी जॉब से निकाल दिया जाता है। वहीं जो उसकी गर्लफ्रेंड उस कंपनी के लिए काम कर रही थी उसको भी जॉब से निकाल दिया गया है। अब तक एडी की गर्लफ्रेंड को पता चल चुका है कि एडी ने उसके लैपटॉप में वो रिसर्च पढ़ ली है जिसमें लाइफ फाउंडेशन के घिनौने राज थे, इसीलिए यहाँ पर इसकी गर्लफ्रेंड इससे ब्रेकअप कर लेती है और ये एंगेजमेंट रिंग इसको वापस दे देती है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लाइफ फाउंडेशन में लगातार एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं और इस बार सिम्बियोट को एक खरगोश की बॉडी में डाला जा रहा है। यहाँ ये सिम्बियोट खरगोश की बॉडी में कुछ समय तक रहता है, लेकिन इसके कुछ समय बाद खरगोश की जान चली जाती है। अपनी ये हार देखकर ये सीईओ पीछे नहीं हटता और अपने साइंटिस्ट पर ये एक्सपेरिमेंट पूरा करने का दबाव बनाता है। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि एक ह्यूमन पर फिर से एक्सपेरिमेंट हो रहा है। वहाँ पर एक सिम्बियोट इस ह्यूमन के लिए छोड़ा गया है जिसकी वजह से ये सिम्बियोट इसके शरीर में कुछ समय तक रहता है, लेकिन उसके बाद ये सिम्बियोट इस बंदे की जान ले लेता है। यहीं पर इन साइंटिस्ट की टीम में इनकी लीडर डोरा भी है जिसकी देखरेख में ये सारे एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं, और जब वो ये सब देखती है कि अब मौतें ज्यादा हो रही हैं, इसीलिए वो इन सब से पीछा छुड़ाने की कोशिश करती है और पहुंचती है एडी ब्रॉक के पास। वो एडी ब्रॉक के पास जाती है और लाइफ फाउंडेशन की सारी सच्चाई बता देती है। वो ये भी कहती है कि हमारा बॉस जानता है कि ये दुनिया जल्दी खत्म होने वाली है क्योंकि इंसानों ने इस दुनिया के सारे रिसोर्सेज को खत्म कर दिया है, जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ गई है, इसीलिए वो इस ग्रह को छोड़कर किसी दूसरे ग्रह पर जाना चाहता है और इसीलिए वो ये सारे एक्सपेरिमेंट कर रहा है। और वो ये भी जानता है कि इसके अलावा और भी ऐसा प्लेनेट है जहाँ जीवन है
और उस प्लेनेट पर अलग अलग तरह के क्रिएचर हैं, और ये जो हमारे पास चार सिम्बियोइड हैं, वो इसी प्लेनेट से है। इन चार में से एक सिम्बियोइड पहले ही भाग चुका है, और जो हमारे पास बचे तीन हैं, हम इन्हीं पर ही एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, और इसी एक्सपेरिमेंट की वजह से कई लोगों की जाने जा रही हैं। यहाँ पर डॉरा एडी ब्रॉक से विनती करती है कि वो लाइफ फाउंडेशन का सच सबके सामने लाए, और इसलिए एडी इसकी बात मान भी जाता है। फिर इसके बाद ये दोनों चोरी से लाइफ फाउंडेशन में घुसते हैं और आगे उस लैब में पहुंचते हैं जहाँ ये सारे एक्सपेरिमेंट हो रहे थे। एडी यहाँ पर इन सभी की वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू कर देता है और जितना सबूत हो सके वो इकट्ठा करने की कोशिश करता है। इन सब के बीच एडी की नजर यहाँ पर एक लड़की पर जाती है जिसे एडी पहले जानता था, और ये लड़की एक तरह की भिखारी और बेघर थी, इसीलिए ये लड़की यहाँ पर कुछ पैसों के लिए इस एक्सपेरिमेंट में शामिल हुई। एडी जैसे इस लड़की को देखता है इसे बचाने की कोशिश करता है। बचाने की इस कोशिश में लैब में रेड अलर्ट शुरू हो जाता है, लेकिन फिर भी एडी ब्रॉक कांच तोड़ के इस लड़की को बचा लेता है। साथ ही यहाँ पर एडी को ये भी नहीं पता था कि इस लड़की के अंदर एक सिम्बॉइड है, जो अब इन दोनों के हाथापाई के बीच में एडी ब्रॉक के अंदर आ जाता है। इतने में यहाँ पर सिक्योरिटी भी पहुँच जाती है और एडी बुरी तरह से भागना शुरू कर देता है। यहाँ पर एडी इस सिम्बॉइड की पावर को महसूस करता है, जिसकी वजह से वो बहुत पावरफुल और तेज हो गया था। सिक्योरिटी से बचते हुए वो अपने घर पहुंचता है। उसके साथ जितना भी ये सब हुआ वो अपनी गर्लफ्रेंड को बताने की कोशिश करता है, लेकिन वो कॉल नहीं उठा रही होती है। साथ ही यहाँ पर एडी ब्रॉक का एपिटाइट बढ़ जाता है और उसे भयंकर प्यास और भूख लगती है, इसलिए वो अपने घर का सारा खाना पीना ठूसना शुरू कर देता है, और इतना सब कुछ उसका शरीर बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए वो उल्टी भी कर देता है। अपने आप को क्लीन करने के लिए जब वो ब्रश कर रहा होता है, तब वो मिरर में अपने चेहरे को देखता है, और वहाँ उसकी आंखें अचानक से डरावनी हो जाती हैं, और इसे देखकर वो डर के पीछे गिर जाता है। वो यहाँ से जल्दी से अपनी गर्लफ्रेंड के पास में पहुँचता है, और यहाँ इसकी गर्लफ्रेंड किसी नए लड़के को डेट कर रही है। एडी यहाँ घबरा कर अपनी गर्लफ्रेंड को सब कुछ बता देता है, साथ ही वो यहाँ पर काफी अजीब बिहेव कर रहा है। तभी यहाँ पर वेटर उनका खाना लेके आता है, और एडी अचानक से इस खाने पे झपट्टा मारना शुरू कर देता है, और यहाँ इसके आसपास जितना भी खाना रखा होता है टेबल पर, एडी इन सबको बुरी तरह से खाना शुरू कर देता है। फिर इसके बाद एडी ब्रॉक को बहुत तेज गर्मी लगती है, और वो अपनी जैकेट उतारकर इस फिश टैंक में आके बैठ जाता है। एडी की गर्लफ्रेंड को ये देखकर समझ में आ जाता है कि एडी की तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए इसकी गर्लफ्रेंड इसे हॉस्पिटल ले जाती है जहाँ इसका MRI होता है। ये सब प्रोसेस करने के बाद एडी ब्रॉक शांति से अपने घर आ जाता है, और तभी इसके कुछ समय बाद इसके दरवाजे पर लाइफ फाउंडेशन के कुछ गुंडे आ जाते हैं। ये गुंडे लोग एडी के अंदर के सिम्बियोट को लेने आए हैं, जिसका नाम है वेनम, और जब ये लोग एडी पर हमला करते हैं, तब एडी के अंदर छुपा वेनम इन सबको मारकर यहाँ से भाग जाता है। यहाँ जब एडी ब्रॉक बाइक से भाग रहा है, तब इसका यहाँ पीछा एक ड्रोन भी कर रहा है। इस ड्रोन को कमांड दे रहा है लाइफ फाउंडेशन का CEO, जिसको पता लग गया है कि वेनम सिम्बॉइड अब एडी ब्रॉक के पास है। वो एडी ब्रॉक और वेनम के इस कॉम्बिनेशन को स्क्रीन पर देख रहा होता है, और देखकर काफी खुश भी होता है, क्योंकि आज तक किसी सिम्बॉइड ने किसी ह्यूमन बॉडी को अपनाया ही नहीं। ये पहला इंसान था जिसे वेनम ने अपने लिए चुना, और ये सब देखकर ये CEO काफी खुश है। वहीं ये गुंडे लोग जब एडी ब्रॉक का पीछा कर रहे होते हैं, तब एडी ब्रॉक के बाइक का एक्सीडेंट हो जाता है। यहाँ एडी ब्रॉक के बुरी तरह से हाथ पैर टूट जाते हैं, और इनमें से एक गुंडा एडी ब्रॉक के पास में आकर उसको मारने वाला ही होता है, लेकिन तभी वेनम अपना काम करना शुरू करता है। वो एडी ब्रॉक को कुछ ही सेकंड में हील कर देता है, और फिर इसके बाद वो यहाँ पर इन सभी गुंडे लोग की मुंडी को खाकर इन सभी को मार देता है। उसकी जान को अभी भी खतरा था, इसलिए वो पानी में कूद कर दूसरे किनारे पे निकल जाता है, और यहाँ पर वेनम पहली बार एडी ब्रॉक से बात करता है। वेनम यहाँ एडी से कहता है कि इंसानों को लगता है कि उन्होंने हमें ढूंढा है, लेकिन वो सब गलत है, हमने इंसानों को ढूंढा है। एडी यहाँ वेनम से पूछता है कि तुम सब इंसानों को खाने आए हो, इसके बदले सिर्फ तुम जिंदा रह पाओगे। तुम मेरी पावर का यूज करो और कंपनी के CEO के पास ले जाओ, क्योंकि उसके गले में जो लॉकेट है मुझे उसकी जरूरत है। दूसरी तरफ हमें CEO दिखाया जाता है जो अपनी लैब में मौजूद है, और वहाँ किसी सिम्बियोट की मौत हो चुकी है, और इस चीज को लेकर वो काफी गुस्से में है। और तभी यहाँ पर अचानक से एक छोटी बच्ची आ जाती है। इस बच्ची को देखकर ये कहता है कि तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए, लेकिन तभी ये बच्ची इसका गला पकड़ लेती है, और तभी एक सिम्बियोट इस बच्ची से निकलकर इसमें चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ एडी ब्रॉक के पास लाइफ फाउंडेशन के खिलाफ जितने भी सबूत हैं वो इस फोन में हैं, और वो इस सच को सबके सामने दिखाना चाहता है, इसलिए वो ये सबूत लेकर अपने ऑफिस में पहुंचता है जहां वो काम करता था। यहाँ एडी ब्रॉक सारे सबूत को इस टेबल पे रख देता है और चुपचाप बस वहां से निकल ही रहा होता है। तभी यहां पर SWAT की टीम आ जाती है, और ये टीम एडी ब्रॉक को अपने लेजर गन पॉइंट पर ले लेती है। एडी ब्रॉक यहां पर चारों तरफ से घिर गया है, और उसे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करे, इसलिए वो वेनम को ये कमांड संभालने को कहता है, और वेनम बाहर आते ही इन सबको एक एक करके मारना शुरू कर देता है। फिर इसके बाद यहाँ पर जब वो इस कॉप को खाने वाला होता है, तब यहाँ पर इसकी गर्लफ्रेंड भी आ जाती है। अपनी गर्लफ्रेंड को देखकर वेनम फिर से एडी में बदलता है, और अपनी गर्लफ्रेंड से कहता है कि तुम्हें यहाँ मौजूद नहीं होना चाहिए। ये सुनकर एडी की गर्लफ्रेंड कहती है कि तुम्हें मदद की जरूरत है,
और तुम मेरे साथ अभी चलो। एडी अपनी गर्लफ्रेंड की बात मानकर उसके साथ चलने को तैयार हो जाता है और वो पहुंचते हैं उसी सेम हॉस्पिटल में जहां उसका पहले इलाज हुआ होता है। यह एडी को फिर से एमआरआई मशीन के पास भेजा जाता है और एडी की गर्लफ्रेंड बहुत चालाकी से एमआरआई मशीन को ऑन कर देती है। अब इसकी वजह से होता यह है कि एमआरआई मशीन की जो फ्रिक्वेंसी और आवाज है उसकी वजह से वेनम एडी ब्रॉक के शरीर से बाहर निकल जाता है। ये सब देख के एडी ब्रॉक अपने आप में रिलीफ पाता है और वो वेनम से कहता है कि तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी में तकलीफ आना शुरू हो गई है। एडी यहाँ पर वेनम को छोड़कर जैसे ही यहाँ से निकलता है तब यहाँ लाइफ फाउंडेशन के कुछ गुंडे आकर एडी को फिर से पकड़ लेते हैं। एडी को सीईओ के पास ले जाया जाता है और जब इसके सामने सीईओ आता है तब वो एडी से पूछता है कि मुझे मेरा सिम्बॉइड वापस दे दो। ये सुनकर एडी कहता है कि तुमने बहुत देर कर दी, मेरे अंदर से वो सिम्बॉइड जा चुका है। अपने सिम्बॉइड को खोता देखकर इस सीईओ को गुस्सा आता है और वो अचानक से एडी ब्रॉक के सामने अपने सिम्बॉइड के साथ बदलता है। दरअसल इसको ये सिम्बॉइड उस छोटी बच्ची से मिला था जो इससे कुछ समय पहले इसके पास आई थी और ये वही सिम्बॉइड है जो शुरू में नर्स के पास था। वहाँ मलेशिया से इस सिम्बॉइड ने अपनी शुरुआत की और न जाने कितने ह्यूमन का सहारा लेते हुए वो यहाँ इस लाइफ फाउंडेशन में पहुंचा। फिलहाल ये सिम्बॉइड सीईओ के अंदर है जिसका नाम है रॉइट। साथ ही इस जगह जब इसके सीईओ को पता चल गया है कि एडी ब्रॉक के पास उसका सिम्बॉइड नहीं है तब वो अपने गुंडे लोग को बोलता है कि एडी ब्रॉक को मार दो। इसलिए ये सारे लोग एडी ब्रॉक को एक जंगल में ले जाते हैं और जैसे ही एडी ब्रॉक को मारने वाले होते हैं तो वेनम इसके पास वापस आ जाता है जो यहाँ पर इन सभी गुंडों को एक साथ मार देता है। और हमें यहाँ पता चलता है कि इस वेनम ने एडी ब्रॉक का पीछा करने के लिए उसकी गर्लफ्रेंड का सहारा लिया है। फिर इसके बाद एडी ब्रॉक को उसका वेनम मिल जाता है और वेनम बताता है कि सीईओ के पास जो उसका सिम्बॉइड रॉइट है उन दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ है। रॉइट सीईओ को उसके प्लेनेट ले जाएगा ताकि बाकी सिम्बॉइड इस धरती पर आ सके और ये सिम्बॉइड आकर धरती की पूरी लाइफ को खत्म कर देंगे और सीईओ को उसका नया प्लेनेट मिल जाएगा। इसके बाद वेनम और एडी ब्रॉक ये फैसला करते हैं कि वो रॉइट और सीईओ को उस प्लेनेट पे जाने से रोकेंगे। वहीं दूसरी तरफ लाइफ फाउंडेशन में हम देखते हैं कि सीईओ एक मिशन लॉन्च कर रहा है स्पेस के लिए। ये वही मिशन है जो उस प्लेनेट पे जाएगा जहां से ये सिम्बॉइड है, पर इस चीज के बारे में यहां के साइंटिस्ट को नहीं पता है। इसलिए इनमें से एक साइंटिस्ट को इस पर शक हो जाता है और वो इस स्पेस मिशन को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन सीईओ फिर से अपने सिम्बॉइड रूप में आता है और इस साइंटिस्ट को मार देता है। फिर इसके बाद इसका रॉइट सिम्बॉइड अपनी फुल पावर के साथ बाहर आता है और यहाँ पर हर एक साइंटिस्ट को मार देता है। और फिर इसके बाद वो जल्दी से स्पेसशिप के पास पहुँचने की कोशिश करता है लेकिन बीच में ही वेनम उसका रास्ता रोक देता है। यहाँ इन दोनों के बीच में काफी देर तक फाइट चलती है और इन फाइट के बीच में एडी की गर्लफ्रेंड भी आ जाती है और इस जगह पर जो स्पीकर्स होते हैं उनमें एक हाई फ्रिक्वेंसी शोर पैदा करती है। अब इस हाई फ्रिक्वेंसी की वजह से होता यह है कि वेनम और सीईओ की बॉडी में जो सिम्बॉइड है वो उनकी बॉडी से अलग होकर दूर गिर जाते हैं। एडी की गर्लफ्रेंड को पहले ही आभास हो चुका था कि सिम्बॉइड एक तरह के शोर से परेशान होने लगते हैं और ये चीज उसने नोटिस की थी जब एडी ब्रॉक का एमआरआई हो रहा था। फिलहाल यहाँ पर ये दोनों बिना सिम्बॉइड के लड़ते हैं लेकिन तभी यहाँ पर सीईओ अपने सिम्बॉइड के पास पहुँचने में कामयाब हो जाता है। सिम्बॉइड मिलने के बाद यहाँ पर वो एडी ब्रॉक को मार देता है और वो इस प्लेनेट से दूर जाने के लिए स्पेसशिप की तरफ बढ़ जाता है। और इधर जो एडी ब्रॉक मर रहा था उसके पास धीरे धीरे वेनम पहुँचने लगता है और फाइनली वेनम एडी ब्रॉक के साथ फिर से कंबाइन हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ ये स्पेसशिप लॉन्च होने को तैयार है और एडी ब्रॉक को जिससे मारा गया था मतलब एक तरह की सिम्बॉइड तलवार, इसी तलवार को लेकर वेनम इस स्पेसशिप पे पहुंचता है और फिर यहाँ पर वेनम इस फ्यूल टैंक को बुरी तरह से नष्ट कर देता है। स्पेसशिप में आग लग जाती है और एक बहुत बड़ा धमाका होता है और इस धमाके की वजह से ये सिम्बॉइड और उसका होस्ट जल के मर जाते हैं। इधर वेनम एडी ब्रॉक को इस ब्लास्ट से बचाता है और वो पैराशूट बनकर एडी ब्रॉक को आग से दूर रखता है। एडी ब्रॉक पानी में गिरकर सेफ हो जाता है और वेनम आग की वजह से मर जाता है। फिर इसके बाद हम फाइनल शॉट में देखते हैं कि एडी से मिलने उसकी गर्लफ्रेंड आई हुई है और यहाँ पे एडी फिर से एक पत्रकार बन चुका है। यहाँ एडी की गर्लफ्रेंड एडी से कहती है कि मैं तुमसे प्यार तो करती हूँ लेकिन मैं अपने बॉयफ्रेंड को छोड़ नहीं सकती, और एडी जवाब देते हुए कहता है कि हम वापस पा लेंगे। एडी के मुंह से हम सुनना ये इसको हैरान कर देता है और उसे हल्का सा शक होने लगता है कि एडी के साथ अभी भी वेनम है। एडी बताता है कि वेनम तो मारा जा चुका है और ये बोलकर एडी वहां से चला जाता है। और इसके बाद फिर हमें पता चलता है कि वो रास्ते में अपने अंदर के वेनम से बात कर रहा है। इसका मतलब वेनम अभी भी जिंदा है। यहाँ एडी ब्रॉक वेनम एक दूसरे के साथ डील करते हैं। एडी कहता है कि तुम किसी को मारोगे नहीं, सिर्फ बुरे लोगों को ही तुम खा सकते हो। और फिर ये दोनों एक साथ इस चीज पे राजी हो जाते हैं और वो छोटे मोटे क्रिमिनल्स को इस ढंग से डील करना शुरू कर देते हैं। फिर इसके बाद आता है पोस्ट क्रेडिट सीन जहाँ दिखाया जाता है कि एडी ब्रॉक किसी जेल में पहुंच चुका है और वो यहाँ पर किसी एक क्रिमिनल का इंटरव्यू लेने आया है। यहाँ इस क्रिमिनल का नाम क्लेटस है जो एडी ब्रॉक से कहता है कि क्या तुम सच में पुरानी कहानी पर काम करना चाहते हो या एक नई कहानी सुनना चाहोगे जिसके अंदर एक खूनी दरिंदा है और जिसका नाम कार्नेज है। और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है और इसके बाद आता है इसका पार्ट टू
जहाँ इस कार्नेज की स्टोरी को एडी ब्रॉक के साथ जोड़ के दिखाया जाता है। आपको वेनम 2 और वेनम द लास्ट डांस चैनल पे देखने को मिल जाएगी, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।